सीरियल इमली के अपकमिंग ट्रैक में बताया जाएगा कि कैसे मालिनी इमली को रंगे हाथों पकड़ेगी जब वो चुपके से राठौर मेंशन छोड़कर वापस अपने पगडंडिया जा रही होती है। उसी समय मालिनी सबके सामने इमली को चोर बताती है और कहती है कि ये चुपके से यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जा रही है, जिसके बाद आर्यन इमली और मालिनी के सामने आ जाएगा और वो इमली का हाथ थामेगा और सबसे कहेगा कि मैंने ही इमली को यहाँ पर बुलाया है पगडंडिया से। जिसके बाद आर्यन मालिनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि मालिनी तुम भी यहाँ मेहमान हो और इमली भी, तुम दोनों ही थोड़े दिनों बाद यहाँ से चली जाओगी। इमली भी जो है कुछ दिनों बाद राठौर मेंशन छोड़कर चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होता है इमली को राठौर मेंशन में देखकर। जिसके बाद अपकमिंग ट्रैक में बताया जाएगा कि चीनी जिद करेगी कि वो राठौर मेंशन और आर्यन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है, जिसके कारण इमली को भी राठौर मेंशन में ही रुकना पड़ जाता है। वहीं राठौर मेंशन में जन्माष्टमी की धूमधाम से तैयारियां हो रही होती है। राठौर मेंशन में जन्माष्टमी की तैयारी और कोई नहीं बल्कि इमली करती है। इमली अपने बहू होने का फर्ज पूरी तरह से निभाती है। इसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी के चक्कर में इमली और आर्यन करीब आते हुए नजर आने वाले हैं। चीनी प्लान बनाएगी कि कैसे वो इमली और आर्यन को दोबारा से एक कर सके। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स पर जरूर बताइए और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।